हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिफोर आफ्टर बिटवीन बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए। इसे सिखाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं ये मान के चलूंगी कि हमने अपने बच्चों को 1 to 100 काउंटिंग अच्छे से सिखा चुके हैं, उसके बाद ही हम बिफोर आफ्टर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों को पहले हम बताएंगे कि बिफोर मीन्स होता है पहले और आफ्टर मीन्स होता है बाद में और बिटवीन मीन्स होता है बीच में। तो मैं देखो लिखा भी इस तरह से है, बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में और बिटवीन मीन्स बीच में। तो इसे हम दो तरीके से सिखा सकते हैं, जैसे एक या तो हम इस तरह से काउंटिंग लिख दें 10, 1 to 10 या फिर इस तरह से। हाँ, एक बात और, जब स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों को सिखाने की तो हम स्टार्टिंग में उसको 1 से लेकर 10 तक ही बिफोर आफ्टर सिखाएं, जिससे बच्चे को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें इस तरीके से हम सिखाएंगे, तो जैसे हम कोई लेटर लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं 3 से पहले क्या आता है, 3 से पहले 2, तो और 3 के बाद क्या आता है 4। तो इस तरह बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा ऊपर नीचे। हम बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि 3 से पहले 2 आता है, यानी कि ऊपर वाला हो गया हमारा बिफोर, और जो 3 के बाद यानी कि बाद वाला हमारा नीचे वाला हो गया हमारा आफ्टर। तो इसमें बच्चा थोड़ा सा ऊपर नीचे और बिफोर आफ्टर में कन्फ्यूज़ होगा। तो इसके लिए मैं अपने बच्चों को जो सिखाती हूँ मैं इस तरीके से सिखाती हूँ। ये बच्चे के लिए बहुत ही ईजी पैटर्न है, जिससे बच्चा ईजीली बिना कन्फ्यूज़ हुए कर पाता है। जैसे इसमें हमने कोई एक नंबर लिया, जैसे 3 से पहले, तो 3 से पहले नंबर क्या लिखा हुआ है 2, तो बच्चा इजीली बता पाएगा 3 के बिफोर यानी कि पहले, 3 के बिफोर क्या है 2, और 3 के आफ्टर यानी कि बाद में, 3 के बाद में क्या है 4। तो बच्चा बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएगा और बिना कन्फ्यूज़ हुए। जैसे अब मैंने कहा कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस तरह से आप बच्चे को क्वेश्चन दे सकते हैं। अब इसमें जैसे कराएंगे हम 5, तो बच्चा देखेगा इसमें 5 लिखा हुआ है, तो इस 5 को इस लाइन पर देखना है 5 कहाँ है, तो 5 हमारा ये लिखा हुआ है, तो 5 से बिफोर मीन्स पहले, 5 के पहले क्या लिखा हुआ है 4, तो बच्चा इजीली बोलेगा 5 से पहले 4, तो 4 यहाँ 4 लिखेगा, और ऐसे ही 4 से पहले, 4 से पहले क्या है 3, ऐसे ही 3 से पहले, 3 से पहले क्या है 2, तो यहाँ लिखेगा बच्चा 2, और ऐसे ही 6 से पहले क्या है 5, ऐसे ही 9 के बिफोर क्या है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे, और 10 से पहले क्या है 9, और ऐसे 2 से पहले क्या है 1, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चा बहुत ही इजी तरीके से बिना कंफ्यूज हुए कर पाएगा। और जैसे ये आफ्टर मीन्स बाद में, 6 के बाद क्या होता है, 6 के बाद तो बच्चे को लाइन पर देखेगा 6 के बाद क्या लिखा हुआ है, 6 के बाद है हमारा 7, तो बाद वाला हमारा क्या आ गया 7, ऐसी 8 के बाद, 8 देखेगा लाइन में, 8 का है हमारा ये, तो 8 के बाद क्या है, 8 के बाद 9, तो यहाँ 9 लिखेगा 2, और 2 के बाद क्या है 3, और 9 के बाद क्या है 10, 4 के बाद क्या है 4 के आफ्टर 5, 7 के आफ्टर 8, तो 8, 1 के आफ्टर 2, तो देखा बच्चे कितना इजीली कर पाएंगे इस तरीके से। ये तो हमारा हो गया बिफोर आफ्टर। अब बारी आई बिटवीन की। बिटवीन में देखो, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो हमें बच्चे को बताना है कि 2 and 4 लाइन पर देखिए 2 कहाँ पर है, 2 हमारा ये रहा और 4 हमारा ये रहा, तो 2 और 4 के बीच में क्या है, तो बहुत ही इजीली बच्चा बता पाएगा 2 और 4 के बीच में है हमारा 3, और 6 और 8 के बीच में क्या है, 6 एंड 8 के बीच में 7, और 5 और 7 के बीच में 6। हम इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि ये बिटवीन हमारा एक तरह से बिफोर पैटर्न भी, नहीं आफ्टर, तो 2 के आफ्टर क्या आएगा, इसमें हम बिटवीन ने बता के बच्चों को यही बोल सकते हैं कि 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3, तो 3 लिख दिया, 6 के बाद 7, और 5 के बाद 6, ऐसी 3 के बाद 4, और 8 के बाद 9, और 1 के बाद 2, ऐसे ही 7 के बाद 8, 7 के बाद क्या लिखा हुआ है 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया,
हमारी सीधी काउंटिंग बनी, 2, 3, 4, 2 और 4 के बीच में क्या आया 3, 6 और 8 के बीच में क्या आया 7। तो इस तरह से बच्चे को बहुत ईजी होगा पढ़ाना और बच्चा बिना कन्फ्यूज़ हुए अब बच्चा कर पाएगा। तो मैंने अपने बच्चों को इसी पैटर्न से सिखाया है और आप भी चाहे तो इस तरह से सिखा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।